प्रदेश सरकार की नीतियों से लगातार घाटे में चल रहे ईंट भट्टा संचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि ईंट भट्टा संचालकों ने ईंट भट्टा यूनियन के बैनर तले आगामी 24 सितंबर को राजधानी लखनऊ में विशाल प्रदर्शन करने का फैसला लिया है और सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं ईंट भट्टा मालिकों का कहना है कि कई रिसर्च में भी ये साबित हुआ है कि फ्लाई ऐश से बने आवास में रहने वालों को चर्म रोग, दमा और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसके बावजूद सरकार फ्लाई ऐश की ईंटों का प्रयोग करने को बढ़ावा दे रही है। वो एक काला कानून है। भाभा एटमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूएसए और बाहर की नीदरलैंड की दो बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसियों ने यह कहा कि फ्लाई ऐश के अंदर रेडियो एक्टिविटी है और यह फ्लाई ऐश दमा का, श्वास की तमाम बीमारियों का, कैंसर का और चर्म रोगों का भारी कारण है। हमारा कहना है कि इन आवासों में रहने वाले लोग इन बीमारियों से ग्रसित होंगे और इन रिपोर्टों को हमने पर्यावरण मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी को सौंपा है और कहा है कि तत्काल अपने इन दोनों काले कानूनों को वापस लेकर के और फ्लाई ऐश की ईंटों पर रोक लगवाइए। इसके साथ ही ईंट भट्टा संचालकों का कहना है कि प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते ईंट भट्टे बंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर अब ईंट भट्टा मालिकों में आक्रोश है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।